I don't wear bras. I never have and I never will. Lace, underwear, push-up, padded. Uh-huh. They're just like jail for my breast friends. Yes, I said breast friends. इतना पतला मटेरियल, इतना पैसा देके इतना पतला मटेरियल बेचता है, हैं? इसमें क्या सपोर्ट मिलेगा? यूज़लेस, एकदम यूज़लेस। हाँ, हम देखो, हम तो प्रेफर करता है पुशअप ब्रा। क्योंकि आफ्टर हैविंग टू बेबीज नो एवरीथिंग गोज साउथ ओनली। ए पुशअप ब्रा गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी एंड मोर सपोर्ट एंड माने एवरीथिंग इज नॉर्थ नाउ। And husband is also very happy and he keeps me happy also. मैं ना हनीमून के लिए लिंगरी लेने गई थी, वो होती है ना लियोपार्ड प्रिंट वाली, वो गूगल से सब पढ़ के गई थी, बेबी डॉल, जी स्ट्रिंग, सब पता है मुझे। मैंने भी बोल दिया सेल्स गर्ल को, हनीमून के लिए बस्टियर चाहिए, बस्टियर एक मिली और बाय गॉड जब मैंने अपने आप को बेबी डॉल में देखा तो मुझे कुछ कुछ होने लगा था। हाय हाय, ये क्या है? और इसके तो पीछे का भी नहीं है। मैडम, दिस इज थॉंग्स। थॉंग? यार, एक बात बताओ, ये ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं होता? मतलब अंदर ऐसे ऐसे होता रहता होगा ना? और कुछ तो है नहीं इसमें, इसे पहनने का क्या फायदा? इससे अच्छा है बिना अंडरवेयर के घूम लो। पर आंटी, ये सेक्सी है ना? छी, आग लगे ऐसे सेक्सी को। Let me tell you, beta, uncle and I are still very much in love. For our anniversary, we went to Goa and I got this really sexy lingerie with a nice bustier and a nice garter. I still have a nice ass, you know. If you've got it, flaunt it. Even if you don't have it, flaunt it anyway. Just do as you please. And uncle did just fine, even without a Viagra. Too much information. ये material healthy नहीं होता है। ये क्या है? देखो, इसमें ब्रीदेबल नहीं है ना, इतना गर्म है बाहर, देखा है टेम्परेचर है 42 डिग्री, इसमें क्या ये पहनेगा है? स्किन में ना ऐसे रैशेस हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। ब्रीदेबल मटेरियल पहनना चाहिए। हम तो हमेशा कॉटन पहनता है, कॉटन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कॉटन है, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। हाय हाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लो यार। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू पॉपएक्सो डेली है। और ये सब मत खरीदना है, बाजे क्वालिटी, तो कॉटन खरीदना हमेशा। ओके ओके, बाय बाय।